आज 13 जुलाई 2022, आज की मुरली के ऊपर मेडिटेशन। अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे। सिर से लेकर पाँव के अंगूठे तक संपूर्ण शरीर बिल्कुल हल्का। ध्यान अपने आप दो आंखों के बीच में स्वयं को महसूस करेंगे कि मैं अशरीरी आत्मा हूँ, शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। मुझे अशरीरी बनना ही नहीं है, मैं हूँ ही अशरीरी। इस शरीर के पहले भी मैं थी, ये शरीर एक दिन जाने वाला है, उसके बाद भी मैं रहने वाली हूँ। मैं अविनाशी हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ। मैंने परमात्मा को पहचान लिया है और मेरा सच्चा सच्चा पिता है। मैं सर्वशक्तिवान बाप के साथ कंबाइंड हूँ। सर्वशक्तिवान बाप की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मेरे अंदर सर्वशक्तियाँ समा रही है। मैंने अपना सब कुछ भगवान को दे दिया है, मेरा कुछ भी नहीं है। मेरी एक ही इच्छा थी कि शिव बाबा मुझे मिल जाए और वो मुझे मिल गया। चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, कितना भी बड़ा पेपर आए, संस्कारों का पेपर आए, प्रकृति का पेपर आए, या और कोई भी पेपर आए, सर्वशक्तिवान हमेशा मेरे साथ है, इसलिए मेरी विजय निश्चित है। मैं कल्प कल्प की विजयी रतन आत्मा हूँ। मास्टर रचयिता हूँ। ड्रामा में अपना श्रेष्ठ पार्ट नून करने वाली महान आत्मा हूँ। सर्व शक्तियों का स्टॉक होने के कारण हर क्षण मैं फुल स्टॉप स्टेज में रहने वाली आत्मा हूँ। सहज पुरुषार्थी हूँ क्योंकि बाबा हमेशा मेरे साथ है। बाप के साथ संगम युग की टॉप मोस्ट पॉइंट पर बैठकर इस विशाल ड्रामा को साक्षी हो के देखने वाली महान आत्मा हूँ। मेरे किसी से भी कोई भी कंप्लेंट नहीं है क्योंकि हर आत्मा अपना एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है। ये बहुत सुंदर नाटक बना हुआ है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं हर आत्मा का पार्ट साक्षी होकर देख रही हूँ, इसलिए मेरी स्थिति मधु समान मीठी, एक रस, अचल और अडोल रहती है। मुझे बहुत हल्का लग रहा है, मैं अब निश्चिंत हूँ। ओम शांति शांति शांति। सर्वशक्तिवान बाप हमेशा मेरे साथ है। बाप दादा मुझे दृष्टि दे रहे हैं और बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा है। बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं कि बच्चे, तुमने कल्प कल्प माया के ऊपर विजय प्राप्त की है। तुमने कल्प कल्प सब कुछ बाप को देखकर ट्रस्टी बनकर अशरीरपन का अभ्यास कर कर मास्टर रचयिता बनकर प्रकृति, संस्कार और परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त की है। तुमने सभी संबंध एक बाप के साथ निभाए हैं। मास्टर रचयिता बन के उमने श्रेष्ठ ड्रामा में पार्ट प्ले किया है, इसलिए तुम ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचे हो।
तुमने कल्प कल्प प्रकृति और मनुष्य आत्माओं को पावन बनाने की श्रेष्ठ सेवा की है। तुम सहज पुरुषार्थी हो। जाओ फिर से अपना श्रेष्ठ पाठ रिपीट करो। मेरी सर्व शक्तियाँ ज्ञान और गुण हमेशा तुम्हारे साथ है। विजयी भव। बाप दादा से वरदान और दृष्टि लेकर मैं आत्मा भरपूर हो रही हूँ। बाबा को दिल से धन्यवाद दे रही हूँ। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा और दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।